भारतीय एयरफोर्स के दो जाबाजों ने किया ऐसा काम, पूरा देश कर रहा शहीदों को सलाम। 2500 जान बचाने के लिए दोनों खुद हो गए कुर्बान। कहानी सुन नम हो जाएंगी आपकी आंखें, जहां भी होंगे वहीं से भेजेंगे मां भारती के सच्चे सपूतों को सलाम। भारतीय एयरफोर्स के दो वीर सपूतों ने पूरे देश को रुला दिया है। मां भारती के दोनों सच्चे सपूतों ने 2500 लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि घर पर जो मां इंतजार कर रही है उसकी गोद सूनी हो जाएगी, पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन जाएगा, परिवार अनाथ हो जाएगा। दोनों को खुद के परिवार की चिंता ही नहीं सताई, बल्कि उन परिवारों की चिंता थी जिनके सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था। दोनों ने उस मौत को खुद गले लगा लिया और 2500 लोगों को नई जिंदगी दे दी। अदम्य साहस, अद्वितीय बल और कुर्बानी की ये पूरी कहानी देखेंगे तो जहां कहीं भी होंगे खड़े होकर दोनों जवानों को सलाम करेंगे। ये कहानी है बाड़मेर की, राजस्थान का बाड़मेर, जो अब से पहले भारतीय एयरफोर्स के कई जवानों की जिंदगी ले चुका है। उसी बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस से गुरुवार रात 9:10 पर ट्रेनर फाइटर जेट MiG-21 बाइसन ने उड़ान भरी थी। चंद मिनटों के अंदर उसमें उड़ान भरते ही आग लग गई। जब फाइटर जेट में आग लगी तो प्लेन एयरबेस से 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा गांव के ऊपर था। जेट उड़ा रहे विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के सामने दो ही रास्ते थे कि वो या तो तुरंत इजेक्ट कर प्लेन को 2500 की आबादी वाले गांव भीमड़ा पर गिरने दें, या अपनी जान कुर्बान कर उसे हर हाल में गांव से दूर ले जाएं। दोनों सैनिकों ने दूसरा विकल्प चुना और अपनी जान दांव पर लगाते हुए जेट को गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर ऐसे सुनसान इलाके में ले गए जहां आबादी नहीं थी, और प्लेन को एक बड़े से रेत के टीले पर क्रैश कर दिया। इस हादसे में हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले विंग कमांडर मोहित राणा और जम्मू के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल दोनों शहीद हो गए। दोनों चाहते तो आराम से हवा में खुद को इजेक्ट कर सुरक्षित कर लेते, लेकिन फिर 2500 लोगों की जान को खतरा हो जाता और शर्तियां सैकड़ों जाने चली जाती। लेकिन मां भारती के दोनों सच्चे वीर सपूतों ने खुद की जान की परवाह नहीं की और गांव वालों की जान बचा ली। भारतीय वायुसेना के मुताबिक तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से प्लेन में हवा में ही आग लग गई थी। दोनों पायलट्स को इसका अंदेशा हो गया था, ऐसे में उन्होंने सूझबूझ दिखाई और रेत के टीलों में प्लेन क्रैश कर दिया ताकि किसी और की जान खतरे में ना हो। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां से 3 किलोमीटर दूर तक इसका धमाका सुनाई दिया था। जहां विमान गिरा वहां आसपास के रेत के टीलों में भी भयानक आग लग गई। गांव के ऊपर से काटे 2 से 3 चक्कर, फिर टीले की तरफ ले गए। जांगू की ढाड़ी में रहने वाले चंद्रप्रकाश नाम के शख्स ने बताया कि हवा में ही प्लेन में आग लग चुकी थी। वो गांव के ऊपर से 2-3 बार घूमा। पायलट को शायद यह अनुमान हो गया था कि यहां आसपास आबादी है। प्लेन सोकरा की तरफ से आया था, उसे उतारने के लिए जगह नहीं मिल रही थी तो वो रेत के टीले की तरफ ले गए जहां क्रैश हो गया। स्थानीय निवासी और आर्मी से रिटायर्ड संपत राज ने कहा, हम घर के बाहर खाना खाकर खड़े ही थे कि देखा एक प्लेन में आग लगी हुई है। वो आसमान में घूम रहा था, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था और गांव के लोग डरे हुए थे। कुछ ही देर में वो टीले की तरफ जैसे ही क्रैश हुआ जबरदस्त आवाज आई। मैं और कुछ लोग उस ओर भागे कि हो सकता है पायलट फंसा हो, उसे बचा लेंगे, लेकिन उन दोनों ने गाँव वालों को बचाते बचाते खुद की जान कुर्बान कर दी। वहीं स्थानीय निवासी हनुमान सिंह का कहना है कि आग इतनी तेज थी और ज्यादा थी कि लोग पायलट के पास भी नहीं जा पाए। आग कुछ कम होने पर हमने पायलट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेत के टीले पर 10 से 15 फीट हो गया गहरा गड्ढा। भीमड़ा ग्राम पंचायत के ईशरावों का तला गांव में जिस खेत में मिग क्रैश हुआ वहां करीब 10 से 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो गया। उसका मलबा करीब 0.5 किलोमीटर तक बिखर गया। मलबे में भी आग लगी हुई थी। लोगों ने किसी तरह मिट्टी डालकर उसे बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में करीब 2500 के आसपास की आबादी है और जहां पर मृग कैश हुआ वहां पर भी कई झाड़ियां थी। इन्हें बचाते हुए पायलट्स विमान को रेत के टीले की तरफ ले गए थे। घटनास्थल से लोगों को उनके पर्स, घड़ी, मोबाइल मिले थे। सारी चीजों को प्रशासन के अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया गया। जरा सोचिए क्या होता अगर दोनों वीर सपूत खुद की जान बचा लेते, क्या होता अगर वो खुद पैराशूट के सहारे बच जाते और प्लेन को आबादी वाले गांव की तरफ जाने देते। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी लाशों का ढेर खड़ा हो जाता। इसी वजह से आज पूरा देश नम आंखों के साथ दोनों शहीदों को नमन कर रहा है, उनके साहस को सलाम कर रहा है। ऐसा साहस वाकई हर किसी के पास नहीं होता, जिसके पास होता है वो बहुत खास होता है।
और दोनों सपूतों ने यह साबित कर दिया कि वो वाकई में सबसे खास थे। अगर आप भी दोनों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके लिए श्रद्धांजलि यही होगी कि आप दोनों की शहादत की इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर घर तक पहुंचाएं, ताकि विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल का नाम हमेशा हमेशा के लिए हर देशवासी के दिल में अमर हो जाए। जय हिंद।